हेलो, सो गुड इवनिंग पंकेश. आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल. कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। आई एम फाइन सर। ओके पंकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं जो हमें देख रही है हमारे चैनल को, कि आपने कौन सी रैंक अचीव करी है एनडीए 145 में, कि आपका बैच नंबर था और कौन से बोर्ड से आप रिकमेंड हुए और कौन सी आपकी प्रेफरेंस थी. सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 आई है सर। मेरा बैच नंबर HNDA 38580 है और मैं अलाहाबाद बोर्ड से रिकमेंड हुआ था सर। 18 SSB अलाहाबाद से और मेरी प्रेफरेंस आर्मी है सर, फर्स्ट ओके प्रेफरेंस। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी रैंक आपने अचीव करी है. सो मार्क्स की बाइफर्केशन के बारे में बात करें, रिटन में आपका क्या स्कोर था? सर इन रिटन आई स्कोर्ड अराउंड 487 सर। ओके एंड इन SSB? सर इन SSB आई स्कोर्ड 474 मार्क्स। सो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर इन SSB एज वेल एज रिटन. बहुत अच्छा स्कोर पंकेश ने जो अचीव किया है. तो पंकेश, आपसे SSB के भी सवाल मैं बहुत अच्छे पूछूंगा, क्योंकि बहुत मतलब SSB में 350 पार जाना मेरे हिसाब से बहुत एक टफ एक चैलेंजिंग पार्ट रहता है. ठीक है, दो स्कोर वी डोंट नो, बट मैक्सिमम स्टूडेंट 300 350 के आसपास ही अटक जाते हैं. तो 400 प्लस जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है. तो सबसे पहले रिटन में बात करता हूँ. रिटन में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आपने किया है. तो जब आपने एनडीए का फॉर्म डाला, तो आप उससे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर जब नोटिफिकेशन आई, जब फॉर्म डाला, या 2-3 महीने पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? नहीं सर, मैंने अपना प्रिपरेशन राइट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड ही स्टार्ट कर दिया था। तो उसके लिए जो हमारे महाराष्ट्र में जो एक इंस्टीट्यूट है, आर्मी इंस्टीट्यूट, AFPI आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन कोल्हापुर, सो मैंने वहाँ की एंट्रेंस दी और इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पर मैंने 11th और 12th प्रिपेयर किया सर NDA का पहले से ही, रिटन बिल्कुल, एंड SSC। बहुत ग्रेट. तो ये जो स्कूलिंग है, कल्चर है 11th एंड 12th का, एक मेरे हिसाब से भी पंकेश बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट ऑफन ना दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर गेटिंग दी नोटिफिकेशन. तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गड़बड़ है. आपको एक अच्छा बेस बनाने के लिए 11th एंड 12th में एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th राइट नाउ कि स्टार्ट योर जर्नी. आप 11th और 12th में स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन को करना. एटलीस्ट डू दी बेसिक्स, मैथ्स के बेसिक्स बहुत कंसेप्चुअल आपके अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एनडीए को क्रैक कर सकते हो. ठीक है, क्रैक क्या, क्लियर कर सकते हो. क्रैक तो वर्ड ही अपने आप में एक तरीके से गलत है. ठीक है, आप क्लियर कर सकते हो एग्जामिनेशन को. क्रैक करना मीन्स मतलब तोड़ फोड़ करना एग्जामिनेशन की, वो तो गलत है. तो क्लियर करना आप एग्जामिनेशन को आप कह सकते हो. तो पंकेश, बात करते हैं मैथमेटिक्स की पोर्शन की ना. तो मैथ्स को हम लोग कैसे टारगेट करें? अब मैं 10th में हूँ या मैं 11th में आ गया, या मेरे पास एक 1 ईयर का टेन्योर है, तो मैं उस मतलब उस एक साल के अंदर कैसे टारगेट करूं कि मेरा एनडीए के मैथ्स में एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पाऊं? मतलब हमें ये समझना चाहिए कि एग्जाम क्या होता है, मतलब एनडीए का जो मैथ्स है उसमें कौन सा पोर्शन होता है। तो हम अगर देखेंगे तो मोस्टली CBSE पे क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें बिल्कुल 11th NCERT तो फर्स्टली अच्छे से कवर कर लेनी चाहिए। उसमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, मतलब मुंह जबान याद होनी चाहिए, दैट विल हेल्प। बिल्कुल देन मूव ऑन टू द NDA पार्ट। वी कैन रेफर डिफरेंट बुक्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन रेफर द RS अग्रवाल। वो मतलब ओके थोड़ी बेसिक लेवल है, तो बिल्कुल उससे मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें कि NDA के क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। फिर उसके बाद में बिल्कुल हम कुछ हाई लेवल बुक्स भी यूज कर सकते हैं जिसमें Level 1 Level 2 होती है। तो मतलब पहले Level 1 करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा अभी मतलब लेवल कितना है, प्रिपरेशन कितना बिल्कुल हुआ है। इस तरीके से मतलब धीरे धीरे कर सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि NCERT होना जरूरी है और पहले से 10th तक के बेसिक्स तो क्लियर होनी चाहिए जब हम 11th 12th में गए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. देखो एनसीईआरटी आई ऑलवेज से बेटे, अगर इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड तब भी आपको एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी ही. अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप एनसीईआरटी करके आए हो, बट डोंट थिंक इफ यू हैव स्कोर्ड 80% या 90% इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशन, वही सेम आपके साथ एनडीए में होगा. ऐसा नहीं है. जब आप बोर्ड के लिए जाते हो, बोर्ड के अंदर गिने चुने पैटर्न है सवाल के, वही रिपीट होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस पूछ लेगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से वे सवाल पूछ लेगा. ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस इनडेफिनेट के सवाल पूछ लेगा, प्रॉपर्टी बेस्ड या डेफिनेट में प्रॉपर्टी बेस्ड किंग प्रॉपर्टी से सवाल पूछ लेगा, ऑड इवन फंक्शन के रिगार्डिंग पूछ लेगा. मतलब ये तो पेट क्वेश्चन है, ये आने ही आने हैं. बट एनडीए में ऐसा नहीं है. एनडीए नीड्स कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्ट की चर्चा करता है पेपर.
तो आपको जितने अच्छे आपके कंसेप्ट होंगे उतना अच्छा आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, पंकेश ने भी बिल्कुल सही कहा, एनसीईआरटी इज द बेस, देन आर एस अग्रवाल, देन आप 3000, दीबुक ही इज रेफरिंग इज 3000 एमसीक्यू बाई अरिहंत। ठीक है, जिसमें लेवल वन एंड लेवल टू होता है, राइट, जिसके अंदर लेवल वन एंड लेवल टू होता है, 3000 एमसीक्यू ब्लैक कलर की और येलो लाइनें हैं उसके अंदर, है ना, वही बुक आप रेफर कर रहे हो, तो वो अच्छी बुक है, उसके कंसेप्ट्स भी अच्छे स्टार्टिंग में और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे हैं, आप उसको प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर सकते हो। पंकेश, अगर मैं बात करूं कि मतलब जैसे स्टूडेंट है, अब वो कई स्टूडेंट 11th एंड 12th में है मेरे जैसे, या 12th अपियरिंग है, 12th पास्ड आउट है, तो मतलब अब उनके लिए आपका क्या सजेशन है? आप तो जैसे 11th एंड 12th में आपने अच्छी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी, तो उनके लिए क्या सजेशन है कि वो कैसे कर सकते हैं प्लस टू में तैयारी? सर पहले तो वो ये कर सकते कि 11th 12th पहले अपना कंप्लीट कर ले, अगर वो कोई मतलब आर्मी रेजिमेंटेड इंस्टीट्यूट में नहीं है तो 12th कंप्लीट कर, और उसके बाद वाला जो अटेम्प्ट होगा तो उस वक्त अच्छे से प्रिपरेशन करे, 1 or 2 months जो भी टाइम मिलेगा उसके लिए, रिटर्न के लिए। अगर उन्होंने 11th 12th अगर अच्छे से कवर किया होगा सब बेसिक्स के साथ और कंसेप्ट अगर समझ के लिए होगी तो 2 months भी काफी हो सकते हैं ऐसे बंदों के लिए, अगर मतलब बहुत ही लेट तैयारी स्टार्ट करते तो। पर 11th 12th की स्टडी होनी चाहिए, और फिर जब 2 months में हम जब स्टडी कर रहे तो उस वक्त स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, पर रिवीजन उससे ज्यादा मायने रखती है, मतलब आफ्टर 2-3 days और आफ्टर 1 week जो पहले पढ़ा हुआ है उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है मैथ्स में। ओके पंकेश, जैसे एक सवाल मेरे से छोटा सा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि कोचिंग आपने ली 11th और 12th 2 साल की, तो मतलब एक्चुअली में कोचिंग की नीड है ऑफलाइन की बच्चे को? अपना पर्सनल आप ओपिनियन बताओ। सर कोचिंग अगर ऑफलाइन होगी तो बहुत आसानी हो सकती है सर, क्योंकि टीचर हमारे सामने पढ़ाते तो हम उसी वक्त डाउट पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है हमारा, तो मतलब डाउट क्लियर होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स में। अगर किसी बच्चे की अगर बिलो एवरेज है मैथ्स में तो उसके लिए तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर ऑफलाइन होगा तो, जैसे कि ऑनलाइन अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अगर कोई बच्चे की ग्रास्पिंग पावर अच्छी है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर किसी की ग्रास्पिंग पावर थोड़ी लो होगी तो उसे बार बार डाउट्स आ सकते हैं, तो वो ऑफलाइन में ज्यादा हेल्पफुल होगा। एग्रीड, 100% एग्रीड। देखो आई टीच बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, आई फेल्ट दिस डिफरेंस एज वेल। जो बच्चा ग्रास्पिंग पावर जिसकी बहुत अच्छी है ऑनलाइन, उसके लिए बेस्ट है, मतलब वो ऑफलाइन में इतना नहीं सीखेगा जो जितना ऑनलाइन में सीख लेगा। बट जो बच्चे के एनसीईआरटी वीक है, कंसेप्ट्स वीक है, वो ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता। मैं सीधी बात करता हूँ आपसे, घुमा फिरा के बात नहीं करता, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप जोर लगा लो ऑनलाइन में, कुछ नहीं समझ में आएगा, सवाल करने बैठोगे 100 डाउट फंस जाएंगे, उसको 100 डाउट आएंगे कि ये सर ने बताया था अब ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। और ऑनलाइन में डाउट थोड़ा सा हमेशा दिक्कत रहती ही है, बट ऑनलाइन उनके लिए बहुत अच्छा है जिसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, जिसके कंसेप्ट थोड़े से अच्छे हैं, या जिसका आना इम्पॉसिबल है कहीं भी। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना या उसमें एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। पंकेश ने बहुत अच्छी बात कही है ये बात, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन लेवल धीरे धीरे एनडीए का बढ़ता जा रहा है, एंड पीपल मतलब ये अभी भी ना एक दिमाग में पीपल के एक थॉट बना हुआ है कि एनडीए इज ईजी, वेर एज If I compare it with JE mains, I guess NDA is a little tougher than JE mains as well. Because उसके अंदर एक step आगे stage 2 भी तो है ना, जिसके अंदर SSB देना है, उसके अंदर भी stage 1 और stage 2 है। तो मेरे हिसाब से JE से भी ये तो तगड़ा level हो गया। JE में तो एटलीस्ट पढ़ लिए तो रिटर्न निकाल लिया खत्म, इसमें तो बहुत अनसर्टिनिटी है, ठीक है, हसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की तरह है ये भी बिल्कुल, ठीक है ना, कि यहाँ पे भी पता नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, ये अब सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं आइडिया। तो इसके लिए एक सॉलिड प्रिपरेशन, एक सॉलिड बेस बच्चे को तैयार करना पड़ता है, चाहे वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में हो, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो GTO टास्क के लिए हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो, उसकी एक अच्छी एक पॉजिटिव थिंकिंग हो, सब कुछ क्रिएट करने में इट टेक्स टाइम। तभी 2 साल का आपको फर्क दिख रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 12 आई है इसकी, वो इसी रीजन की वजह से है कि 2 साल की तगड़ी प्रिपरेशन। तो अब 1 महीने वाला है या 2 महीने वाला है, 4 महीने वाला है, 6 महीने वाला है, वो इसकी प्रिपरेशन का लेवल बच्चे की बीट नहीं कर सकता। अगर कर सकता है वही बच्चा कर सकता है, या इसी के साथ आ सकता है पंकेश के साथ, वही बच्चा कर सकता है जिसके बेसिक बहुत स्ट्रांग है, जिसकी नींव बहुत अच्छी है, राइट पंकेश। तो मूविंग अहेड, GAT पोर्शन, जैसे आपने 2 साल वहां कोर्स किया, तो उधर GAT में आपको कैसे पढ़ाई कराई गई?
सर जीएटी में मोस्टली तो पहले इंग्लिश पे ज्यादा फोकस होता था कि उसके ज्यादा पोर्शन होता है 200 मार्क्स का नियरली, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 150 मार्क्स तो स्कोर करें हम लोग उसमें, वो मतलब स्कोरिंग पोर्शन है। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वो वोकेबलरी बेस्ड होते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स या फ्रेजेस हो गए, ईडियम्स हो गए। तो अगर हम लोग थोड़ा बुक्स रीड करेंगे 11th 12th में, तो मतलब अगर हमारी इंग्लिश की नॉलेज डेवलप करेंगे तो वो दोनों में हेल्प होगा, एक तो गैट में भी इंग्लिश में हेल्प होगा एंड अदर इज एसएसबी में भी हमारी इंग्लिश में हेल्प होगा, दोनों तरीके से हेल्प हो सकता है। और उसके बाद में अगर दूसरे पोर्शन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री इस चीज के लिए तो हम लोग पाथ फाइंडर कर सकते, या तो उसके अलावा अगर हम 9th 10th की बुक्स भी करते या बिल्कुल स्टेट और सीबीएसई इधर कोई भी करेंगे, अगर उसमें से अच्छे से पढ़ लेते हम लोग रिविजन करते 2-3 बार तो इट इज मोर देन इनफ। मतलब बिल्कुल उसमें ये भी होता है कि अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये तीनों तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। पर अगर हम उसके आगे जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अभी ये और 4 सब्जेक्ट्स है, तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो आप मतलब जिस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सपोज इकोनॉमिक्स, मतलब किसी ने कभी इकोनॉमिक्स को देखा ही नहीं है या पॉलिटिकल साइंस के बारे में इतना नहीं जानता और उसका वेटेज बहुत ही कम होता है, तो हम लोग ऐसा कोई एक सब्जेक्ट है उसे ड्रॉप कर सकते हैं और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसे ही और बूस्टअप कर सकते हैं। इम्प्रूव करें। बिल्कुल ये था बिल्कुल। तो पंकेश, मैं अगर हिस्ट्री या पॉलिटी की बात करूं या ज्योग्राफी की बात करूं, कोई रेफरेंस बुक आपने यूज करी थी? जी सर, हिस्ट्री के लिए जनरल नॉलेज 2021 बाय मनोहर पांडे, अरियन पब्लिकेशन से अरिहंत सर वो, पब्लिकेशन। बिल्कुल वो एक वैसे, और जिस टू बुक्स पाथफाइंडर मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल पाथफाइंडर यू कैन गो फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज वेल, और अपना हिस्ट्री पॉलिटी जो जीएटी के लिए पाथफाइंडर सफिशिएंट है। बाकी इंग्लिश के लिए आप डिफरेंट बुक्स को फॉलो, एक्सपी बख्शी फॉलो कर सकते हो, एक अच्छी बुक है ठीक है प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे भी बहुत सारे रिलाई कर सकते हो इंग्लिश वगैरह के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे चैनल है, इवन आर चैनल जिसके ऊपर धीरज सर भी कराते हैं अच्छी इंग्लिश, तो आप उधर से भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं पंकेश, मैं थोड़ा सा एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ कि मतलब कैसे, मतलब 2 साल आपने रेगुलर ट्रेनिंग करी एसएसबी की, रेगुलर सर। आपको सिखाया जाता था या आखिरी के रिटर्न के बाद आपको सिखाया गया? मतलब एसएसबी की ट्रेनिंग नहीं होती थी एग्जैक्टली, पर्सनालिटी को एनहांस करने की ट्रेनिंग होती थी, मतलब कि मतलब हर अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराया जाता था। जैसे कि अभी अगर कोई 11th 12th में अगर हम आउटसाइड स्कूल्स में जाएंगे तो बच्चे स्पोर्ट्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते, और वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो ये जरूरी एक है। चीज होती है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, आउटडोर एक्टिविटीज, और दूसरी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि क्विज कंपटीशन हो गया, डिबेट कंपटीशन, ये सब चीजें होती थी। फिर असेंबलीज करवाई जाती थी, मॉर्निंग असेंबलीज, उसमें मतलब सामने आके बंदे न्यूज बताएंगे या अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे, ये सब चीजें होती थी जिससे हमें मतलब एक स्टेज कॉन्फिडेंस भी मिलता है 10 बंदों के सामने बात करने का, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। मतलब ज्यादा फोकस उस पर था कि कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो एसएसबी के लिए, वो उसका काफी वेटेज होता है। देखो ये जो पैटर्न है आप समझ रहे हो स्कूलिंग का, दे आर क्रिएटिंग लीडर्स, डेफिनेटली 100% इसका बच्चे का क्लियर होना ही था, एसएसबी भी क्लियर होना था, रिटन भी क्लियर होना था। बिकॉज दी वे थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, आप समझ रहे हो कि नॉर्मल स्कूल का एक बच्चा अगर आप कंपेयर करोगे उसका लाइफ स्टाइल, वो 11 बजे उठ रहा है, रात को 4 बजे सो रहा है, मोबाइल चला रहा है दिन भर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप जितना मर्जी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो आप स्क्रीन आउट होके बाहर आ जाओगे 101%। फौज में ऐसे लेथार्जिक लोगों की जरूरत नहीं है, ये बात ट्रू है और 100% यही बात रहेगी। एग्री करोगे पंकेश इस बात से? जी सर, मतलब मतलब अगर स्पोर्ट्स हम में जीरो एक्टिविटी है, फिजिकल फिटनेस जीरो है, नॉलेज फौज की जीरो है, जितना मर्जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ले यार, मैथ्स पढ़ लो, क्या होगा उससे? रिटन क्रैक हो जाएगा बट एसएसबी नहीं होगा, बिकॉज वैसा माइंडसेट नहीं डेवलप हो रहा ना, आप लीडर नहीं बन रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है ठीक है, आपकी आप बात कर सकते हो किसी को, अगर मोटिवेट भी करना है किसी को तो आप कैसे मोटिवेट करोगे किसी, आपने यूथ को, मतलब आपने अगर एक ऑफिसर है उसको कल 1000 ऑफ सोल्जर्स के साथ डील करना है, वॉर जोन हो गया, वॉर जोन की सिचुएशन हो गई, तो उनको मोटिवेट तो करना पड़ेगा, लीडर ही मोटिवेट करेगा, आप लीडर ही आलसी है तो फिर वो कैसे मोटिवेट करेगा उसको, ठीक
ठीक है, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन में। अगर मैं अपने करियर में बात करूं तो 11th 12th में मैं नेशनल प्लेयर था फुटबॉल का, ठीक है, आई रिप्रेजेंटेड माई स्टेट एज वेल, हरियाणा को मैंने रिप्रेजेंट किया है, सीनियर नेशनल आई हैव प्लेड, तो मतलब फुटबॉल में भी पार्टिसिपेशन मेरी रही है। तो दैट इज दी ओनली रीजन कि ये सब आपको लीडर तभी बनोगे जब हर एक एक कोने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को चुन चुन के पकड़ोगे, उनके बारे में सीखोगे कि क्या है OLQJ15, हर एक के अंदर है बट उसको इनहेंस करना है, बाहर निकालना है उनको, ताकि वो दिखाई दे कि आप एक लीडर हो। ठीक है, तो मुकेश आपका तो स्कूलिंग का तो बहुत अच्छा रहा है, एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि मतलब ये सब चीजें हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मुकेश, मतलब एक बात करूं, आपके जैसे और भी क्लासमेट्स होंगे, ठीक है, यस सर, तो क्लासमेट में बैठ के आप पढ़ाई करते थे या अकेले बैठ के आप पढ़ाई करते थे? नहीं सर, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप स्टडी प्रिफर करता था सर हॉस्टल में। जब स्कूल में होते थे तो टीचर की तरफ ध्यान देता था, उस वक्त कंसेप्ट ग्रैप करते थे, और जो गैट का पोर्शन होता है उसमें ग्रुप स्टडी करते थे, और मैथ्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अकेले बैठता नहीं, ग्रुप स्टडी करता था सर। मैंने मतलब एक कोर ग्रुप भी बनाया था 2-3 लोगों का, उसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, फिर उसके बाद में एक बड़ा ग्रुप भी था, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते थे। हाँ, अगर तो एक दिन मैं पास किए तो रिपीटेड, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, तो सब साथ में बैठ के करेंगे, अदर देन स्कूल खुद भी, और मतलब एक कॉम्पिटिटिव बेस्ड स्टडी करते थे हम लोग साथ में, तो इससे काफी हेल्प हुई। ओके, तो मतलब मॉक टेस्ट आपने दिए ग्रुप में बैठ के, या मतलब मॉक टेस्ट देते थे एनडीए के? जी सर, मॉक टेस्ट दी थी सर, थ्री ओके, टू तो फोर कहाँ से ये मॉक टेस्ट आपने लिए थे, या कुछ किसने बनाए थे, स्कूल में ही दिए थे? स्कूल नहीं बनाए थे सर। ओके, स्कूल नहीं बना के दिए थे, ओके, सेम टाइमर लगाकर, जी सर, ग्रेट। पंकज, एक और बात मुझे बताओ, आपके स्कूल में, आपके क्लासमेट्स में और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब क्लियर हुआ रिटन या SSB? सर अराउंड 22 स्टूडेंट्स ने रिटन क्वालिफाई किया सर, एंड ओके, अमंग देम गॉट रिकमेंडेड और उनका रैंक? सर। जो ए ऑल इंडिया रैंक वन है, ही इज फ्रॉम माय स्कूल सर, रोनित यस यस रंजन, या AR 12, देन ऑल इंडिया रैंक 89 गौरव नाथ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम माई स्कूल, हाँ, देन ये आई एम टेकिंग इट इंटरव्यू, मतलब उसका भी आने वाला इंटरव्यू बहुत जल्दी, 89। चंदन हरले ऑल इंडिया रैंक 115, एंड पवन निर्मल इज ऑल इंडिया रैंक इज 175। ओके, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, मतलब आप समझ रहे हो मैं जो आपको इतने टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, ये जो लोग हैं ये बेवकूफ नहीं है, ये स्टूडेंट्स बेवकूफ नहीं है, आप लोग बेवकूफ बनते हो। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि एक सॉलिड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, आप इस एग्जामिनेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आज आप तैयारी करो, 2 महीने बाद पेपर दो एंड क्लियर हो जाएगा एंड आप ऑल इंडिया रैंकर बन जाओगे। इज इट सो पंकज, इज इट पॉसिबल? मतलब आप सोचो 2 महीने में तैयारी भी कर लो, फॉर्म भी भर दो, पता भी नहीं एनडीए के बारे में, आज पेन उठाओ और तैयारी करो और पेपर लिख दोगे एंड मतलब ऐसा हो जाएगा। इज इट सो? लगता है, व्हाट डू यू फील? जरूर, कोई जीनियस को ही लाना पड़ेगा, मतलब डिफिकल्ट है, पॉसिबल हाँ ही नहीं है, मतलब एक हाँ आम आदमी की पॉसिबल ये नहीं पॉसिबल है, मतलब थोड़ा लेवल है, अच्छा लेवल है, उसके लिए तैयारी अच्छी सॉलिड करनी पड़ती है, कंसेप्ट नॉलेज अच्छी चाहिए, ठीक है, उसके बाद GAT का भी सेक्शन है, तो काफी कुछ सीखने को चाहिए, बच्चे को सीखना चाहिए, उसके बाद SSB के लिए भी पर्सनालिटी डेवलप पढ़नी। अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई बुक्स आपने पढ़ी हो? सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एट सच मतलब कोई बुक्स नहीं पढ़ी, पर वीडियो सुनता था सर मैं, यूट्यूब कौन पे सी वीडियो, वीडियोस किसी वीडियोस की? गौर गोपाल दास ओके सर, वीडियोस ऑफ हिम ओनली, एंड ओके, आल्सो आर्न आर्नोल्ड, सर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, बॉडी यस सर, बिल्डर, ओके, यस मिस्टर सर, ओलंपिया 8 टाइम्स, राइट, ओके, मोटिवेशनल वीडियोस देखते थे उसकी, यस सर, ओके, फिर जो वेरी थी मतलब इम्प्रेस करते थे, इसलिए ओके, देखता ठीक था। है। पंकेश, मूविंग अहेड, अगर SSB नॉर्मल एक बच्चा है, मतलब रिटन क्लियर हो गया जिसका, वो घर पे बैठ के तैयारी करना चाहता है खुद, तो क्या वो एक्चुअली घर पे बैठ के तैयारी कर सकता है? ऑनेस्ट रिव्यू। सर थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब तैयारी तो करेगा पर उसे असेस कौन करेगा कि वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, उसे बताने के लिए कोई असेसर तो चाहिए ना।
मतलब कोई करता रहेगा, हार्ड वर्क करता रहेगा फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जितना भी उसने किया है हार्ड वर्क, पर समबडी शुड बी देयर टू टेल हिम कि मतलब वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है पूरी तरीके से. मतलब वो खुद तो एसेस नहीं कर सकता अपने आप को एसएसबी के लिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है. हम घर पे करते प्रिपरेशन तो बिल्कुल, ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है. बहुत सही पंकेश ने पॉइंट दिया है. आज मैं स्टूडेंट हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग टीएटी स्टोरीज, आई एम राइटिंग डब्ल्यूएटीज, आई एम राइटिंग एसआरटीज, आई एम राइटिंग एसडी, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो ठीक भी लिख रहा हूँ मैं या गलत लिख रहा हूँ, या वो मेरी पर्सनैलिटी से वो चीज़ें मैच भी हो रही है, या वो ये चीज़ें एसएसबी के अंदर क्या पॉजिटिव थिंकिंग लाएगी साइकोलॉजिस्ट के ऊपर या नेगेटिव लाएगी. तो अब ये तो कोई एक्स साइकोलॉजिस्ट रह चुका हो या फिर कोई एक ऑफिसर हो जो गाइड करे, जो एसएसबी का पार्ट रह चुका हो, वो मेरी गलतियां फाइंड आउट करेगा तो एक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना. तो एक बच्चों ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी मेक श्योर कि आपको इस चीज़ के बारे में पता हो कि आपकी गलतियां क्या है. चाहे आप इसके लिए कोई ऑनलाइन टीम से बात करो, चाहे ऑफलाइन जाओ, बट कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वॉट आई वॉन्ट इज योर सिलेक्शन. ठीक है, एट द एंड सब लोग ये पूछते हैं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ. कॉन्फ्रेंस आउट का कोई फायदा नहीं है, स्क्रीन आउट का कोई फायदा नहीं है, अकेले रिटर्न निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है. अच्छा, जीटीओ टास्क व्हाट डू यू फील, घर पे हो सकते हैं? सर जीटीओ टास्क में तो मतलब जीटीओ टास्क तो ऐसे है कि जो ग्रुप में, तो वो तो घर पर पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि उसमें तो ग्रुप में इन्फ्लुएंस चाहिए. मतलब हमारे पास बहुत नॉलेज हो सकती है पर वी डोंट नो कि हम लोग ग्रुप में बात कर पा रहे या नहीं. इन्फ्लुएंसिंग पावर, बिल्कुल इन्फ्लुएंसिंग पावर, और कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट इन द ग्रुप. और जब मतलब हम लोग ग्रुप में बैठे तो कहीं हम नर्वस तो नहीं हो रहे, या जो अलग अलग जो ऑब्स्टेकल्स है उनको बिफोर हैंड देख लेना माइट बी हेल्पफुल. क्योंकि हम जब एसएसबी में जाएंगे तो फर्स्ट टाइम देखेंगे तो मतलब ये भी हो सर नर्वसनेस आ सकती है अगर किसी चीज को फर्स्ट टाइम हम लोग देखते तो. और वैसे भी हम लोग सिलेक्शन के लिए जा रहे तो फर्स्ट हैंड देखना मतलब जरूरी होता है सब ऑब्स्टेकल्स. 100% ट्रू. आप जीटीओ ऑनलाइन आई डोंट नो कि मतलब कैसे बच्चे कर सकते हैं, बिकॉज जीटीओ में जीडी भी चाहिए, जीपीई चाहिए, पीजीटी चाहिए, एचजीटी चाहिए, एफजीटी चाहिए, जीओआर चाहिए, ठीक है ना. मतलब कैसे एक स्टूडेंट कर सकता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी करना है. ये जो देखो टू बी ऑनेस्ट बच्चे, फौज की बात कर रहे हो आप तो ना, तो फौज कभी ऑनलाइन आप मतलब आई डोंट नो. मैं खुद एक ऑनलाइन टीचर हूँ एंड आई एम सेइंग दिस ऑन स्क्रीन, ऑन लाइव भी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब बच्चे एसएसबी तो मतलब ना के बराबर है ऑनलाइन में. यू कैन डू साइकोलॉजी, यू कैन डू पर्सनल इंटरव्यू, आप किसी ऑफिसर के साथ कर सकते हो, बट जीटीओ यू कैन नॉट डू. दिस इज ट्रुथ एंड 100% ट्रुथ है, क्योंकि उसके लिए ग्रुप चाहिए. ग्रुप में चलो जीटी आप ऑनलाइन कर लोगे, ठीक है, बट हाउ विल यू डू कि फट्टा कहाँ पे लगाना है, नॉट्स कैसे बांधनी है, बल्ली कहाँ लगानी है. वहां जाके तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये है क्या. क्यों पंकेश, अगर फर्स्ट हैंड कोई बच्चा जा रहा है, आप समझो कि उसके दिमाग में क्या, एक जीटीओ ग्राउंड में उतरेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या चीज. यस सर, मतलब वो बाकी लोगों से बहुत इनोसेंट होगा, मतलब कुछ समझेगा ही नहीं उसे क्या है, रूल ऑफ इंफिनिटी क्या है या ग्रुप रूल क्या है. मतलब वो समझने के लिए भी तो थोड़ा टाइम चाहिए. बिल्कुल, मतलब कलर कोडिंग ही नहीं समझ में आएगी उसको, एक बार तो बोल देगा जीटीओ बस, उसके बाद तो उसको समझ में याद ही नहीं रहेगा कि कलर कोडिंग क्या है, रेड कलर क्या शो कर रहा है, व्हाइट क्या शो कर रहा है, ब्लैक क्या शो कर रहा है, या येलो कई बार प्रिंटेड होता है वो क्या शो कर रहा है कलर कोडिंग. तो ये चीजें आपको पहले, या तो आप वीडियोज देखो बहुत सारी, इफ यू कांट अफोर्ड अ गुड कोचिंग देन आप वीडियोज देखो, ठीक है, और भी ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज है वहां से आप देखो, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन ओवरव्यू कि होने क्या वाला है बिफोर हैंड इफ यू वॉन्ट टू मेक अ करियर इन डिफेंस फोर्सेज, स्पेशली इन एनडीए. जब आप जाना चाहते हो, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंट्री है और बहुत अच्छी एंट्री है, नो डाउट, इससे बढ़िया एंट्री नहीं है फौज की अभी तक ऑफिसर एंट्री. सीडीएस में भी मतलब दिक्कत है, एनडीए से बेटर मुझे नहीं लगता कोई एंट्री है. ठीक है पंकज, फिर बात करें आगे. पहले आपके दिमाग में एक रैंक का था कुछ चक्कर कि मुझे ये रैंक अचीव करनी है. एक स्टूडेंट ऑफन से आई नीड टू गेट टॉप ऑल इंडिया रैंक, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 के बीच में चाहिए, 20 के बीच, या आपके दिमाग में था कि बस हो जाए? नहीं सर, रैंक का नहीं था, पर ये नहीं था कि मेरिट आउट नहीं होना है, बस मेरिट इन होना है, ये था टारगेट कि मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करने रिटर्न में. वही से टारगेट था कि अराउंड 450 से प्लस स्कोर करना है, ये टारगेट तो था पहले से कि मतलब अगर एसएसबी ऑन द लाइन भी क्लियर हो जाता हो तो भी मेरिट इन हो सको, ये टारगेट था रिटर्न के. हाँ,
कोई टारगेट नहीं था। बट एसएसबी में यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने एसएसबी के अंदर भी, और रिटर्न में भी नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो ये रिटर्न प्लस एसएसबी का कॉम्बो आपको बहुत सक्सेस दी है, एंड सबसे ज़्यादा श्रेय तो आपका जो है, आपने दो जहाँ से स्कूलिंग की है वहीं से जाता है एफपीआई, तो बहुत अच्छा पैटर्न मुझे लगा। क्योंकि और आप समझो कि स्कूल में भी 5 बच्चे अगर आप रिकमेंड हो रहे हैं और मेरिट में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक कह सकते हो एटमॉस्फेयर रहा होगा उधर का, क्वालिटी टीचिंग बच्चों को इम्पार्ट हो रही है। और ऐसा सिमिलर कल्चर अगर सारे स्कूल अपनाएंगे जो रिटन एग्जामिनेशन की तरफ फोकस्ड है या सिर्फ एनडीए की तरफ फोकस्ड है, तो एक बहुत अच्छा बच्चे को ग्रोथ नजर आएगी मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। बिकॉज इस डोमेन के अंदर आई फील कि रिटन प्लस एसएसबी दोनों का कॉम्बो होना चाहिए, ठीक है ना। स्कूलिंग आईआईटी से अलग है क्योंकि जेई तो सिर्फ रिटन रिटन है, एसएसबी में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए बिकॉज वी आर हेयर टू क्रिएट लीडर्स। पंकज, कुछ किताबें आपने एसएसबी के लिए स्पेशल पढ़ी हो? यस सर, एक तो ओआईआर के लिए पढ़ी थी सर, डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन की जो बुक आती है वो एक पढ़ी थी, फिर उसके बाद में इसमें यार गलतियां बड़ी है। यस सर, गलती, सॉरी, गलतियां बढ़ी है, तो आई वुड सजेस्ट बच्चे कि इतनी, और किताब का ना बहुत ज्यादा है, ठीक है, अलाहाबाद वगैरह में इतना मेरे ख्याल आता भी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम कर सकते हैं, वो किताब से बढ़िया है आप नटराजन सर की एक बुक ले लें, कमांडर एनके नटराजन सर की एक किताब आती है एसएसबी इंटरव्यू की, उसके अंदर ओआईआर है, मैंने वो सेट देखा है, तो उसके अंदर वो सेट भी आप कर सकते हैं आई गेस। क्यों पंकज, वो भी ठीक है, वो उसके अंदर दूसरी वाली जो किताब है ना उसके अंदर गलतियां बहुत है, एरर, मैंने एक बार वो सॉल्व करानी स्टार्ट करी थी एंड आई गेस उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी, तो वो आप कर सकते हो। नटराजन सर की बुक है वो अच्छी है, कमांडर एनके नटराजन सर की वो भी अच्छी है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी है तो डीडी वाली बुक ठीक है, बट मेक श्योर कि आप जो एरर है उनको सही से करें। आगे और कोई स्पेसिफिक बुक साइकोलॉजी पे या कुछ और किसी किताब? तो नहीं सर, एक बुक थी मतलब एसएस की बुक थी, प्रोफेसर ढिल्लो की शायद, वो एक प्रोबेबली एसएस बाय आरएस ढिल्लो, वो तो मैं भी बताता हूं। वो आपको किसने रिकमेंड की थी सर? आपके एक वीडियो से सुनी थी। अच्छा अच्छा, मेरी वीडियो, तो वो अच्छी बुक है और आपने, आपको फील भी हुआ होगा आई गेस। यस सर, और उसके अलावा फिर जो अलग अलग मतलब यूट्यूब चैनल है उनको रेफर करता था नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, स्टडी आई करंट अफेयर्स दूसरा चैनल है, ये दो तीन चैनल्स को रेफर करता था। दूसरा कौन सा बताया, एक तो स्टडी आई क्यू, दूसरा सर वो नाम याद नहीं सर, करंट अफेयर्स नहीं है शायद उसका, करंट अफेयर जीके सर। तो दोनों चैनल ये ठीक है, अच्छे चैनल है, आप इनसे करंट अफेयर्स के बारे में, तो ये करंट अफेयर्स वीडियोस के थ्रू आई गेस ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि उसमें टाइम बच जाता है एक बच्चे का ना, और आप पॉइंट्स नोट जॉट डाउन वहां से कर सकते हो, नहीं तो आजकल तो पीडीएफ मिल जाती है, वो पीडीएफ आप प्रिंट करा के भी रख सकते हो अपने पास। तो क्योंकि आपसे अच्छा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा था पीआई में, करंट अफेयर्स का पर्सनल इंटरव्यू नहीं सर, न्यूज मतलब करंट अफेयर के बारे में कुछ नहीं पूछा था सर, थोड़ा आर्मी के बारे में पूछा था। अच्छा, आर्मी के बारे में क्या पूछा था सर? आर्मी के बारे में पूछा कि मतलब आर्मी कौन से दो यूनिट्स में डिवाइडेड है, तो फिर मैंने आंसर किया आर्म्स एंड सर्विसेज, तो देन आई टोल्ड दैट टेल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म्स, देन आई वेंट ऑन टेलिंग अबाउट द आर्मी एविएशन, देन इन्फेंट्री, देन आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, देन ही सेड दैट व्हाट इज आर्मी एविएशन, देन आई आंसर्ड दैट इन दैट हेलीकॉप्टर्स एंड दोस थिंग्स आर देयर व्हिच हेल्प द ट्रूप्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, and also there are now inducted the attack helicopters are also inducted in the Indian Army, this is also one thing. Then afterward he said that your father was in corps of engineer, so tell me what is the work of corps of engineers. So I answered him that engineers basically means they help the infantry battalions to move ahead, matlab wo kaise kaam karte ki jo support dete hain, support karte hain, या तो सामने वाले जो मतलब एनिमीज ने जो माइंस लगा कर रखी है उनको निकालना, करने के लिए, खत्म करने के लिए, लाइक दिस, या फिर प्रॉपर सिग्नल्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग सेक्शन है, जैसे जेई होते हैं, जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनको टावर्स एंड ऑल की भी नॉलेज होनी जरूरी है, मतलब टेक्निकल सपोर्ट एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं।
ये सब चीजें हैं, तो आप देख सकते हो यार फौज से रिलेटेड क्वेश्चन तो है ही। अगर फौज आपके ब्लड के अंदर है देन डेफिनेटली यू विल मेक इट, अगर नहीं है वो चीज़ तो SSB अपना स्टैंडर्ड कभी लो नहीं करता और वो तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक पंकेश, एक बहुत आजकल चीज चल रही है, आपने देखा होगा एंड इट इज वेरी सैड कि जहाँ पे कुछ करप्शन के चार्जेस, ऐसा आपने पढ़ा होगा न्यूज में भी आ रहा है, एंड CBI ने कुछ ऑफिसर्स को भी बुक किया है। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू एक्चुअली फील, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ SSB सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एंड यू गॉट रिकमेंडेड, तो व्हाट डू यू एक्चुअली फील कि मतलब एक मछली गंदी थी या पूरा तालाब गंदा है? तो स्टूडेंट आर ऑफन आस्किंग मी दिस, तो उनके दिमाग से मिथ मुझे निकालना बहुत जरूरी है। सर आई हैव नो आइडिया ऑन दिस सर, मीन्स बहुत हाई लेवल बातें है तो इस पर मैं कमेंट करना मतलब गलत होगा, मुझे इतनी कुछ नॉलेज नहीं उस चीजों के बारे में। तो अभी तक मतलब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रखी हुई है पूरी, मतलब इंफॉर्मेशन ऐसे ओपन नहीं की गई एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हुई, तो बिल्कुल, कमेंट करना गलत होगा। तो यही बात स्टूडेंट ने ना दिमाग में लगा ली है कि मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मेरा तो ऑनेस्ट आंसर ये है इसके अंदर, देखो बच्चे फौज में जहां तक मैं जानता हूं, मैंने मतलब मैं भी कितने टाइम से, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन बैक देन व्हेन आई वाज इन माय क्लास 9th स्टैंडर्ड से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। फिर 4 साल पढ़ा, पेपर दिया, क्लियर किया, उसके बाद आगे बढ़े, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, इंजीनियरिंग के बाद पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब काफी टाइम से मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ एंड आई हैवंट सीन एनी इंसिडेंट्स लाइक दिस, ऐसा ठीक है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है एक ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट 99.9% जो सिस्टम है वो क्लियरली फेयर है, ठीक है। तो आप अपनी एक माइंडसेट ऐसा बनाएं, अपने आप को, खुद को ऐसा मोटिवेट करें कि ये सिस्टम पूरा फेयर है, और आप डेफिनेटली जब आप जाएंगे SSB के अंदर यू विल डेफिनेटली क्रैक विद दिस माइंडसेट। अगर आप गलत थॉट लेके जाओगे, नेगेटिव थॉट लेके जाओगे, डेफिनेटली यू विल नेवर मेक इट, ठीक है पंकेश। तो आपसे हम विदा लेते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आई होप बहुत सारी नॉलेज बच्चों को इम्पैक्ट हुई होगी, एक एक मोटिवेशन जरूर आई होगी आपके साथ बात करके और सुन के भी बच्चों को, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। सही है।